वेलकम स्टूडेंट्स, आज हम शुरू करने वाले हैं पेपर हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। ये हिंदी क है बेटे, बीए प्रोग्राम सेमेस्टर टू का, और कोर्स क्रेडिट हैं इसके दो यानी कि टू, और सभी यूजी कोर्सेज में मीन्स टू से ऑल यूजी कोर्सेज में इसको एबिलिटी एनहेंसमेंट कोर्स की तरह से इंट्रोड्यूस किया गया है एज पर UGCF 2022 एंड नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। पेपर का नाम है हिंदी भाषा संप्रेषण और संचार। बेटा आपकी जो रिसिप्ट मिलती है आपको, उसमें आप देख लीजिए कि आपका ये पेपर है, तो आप ये सारी की सारी वीडियोस का जो मैं प्लेलिस्ट शेयर करूँगी इसको आपने सभी ने देखना है। और बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि पूरा का पूरा सिलेबस आपका मैं यहाँ पर जो है आपके लिए वीडियोज़ बनाने वाली हूँ। सबसे पहले आपका सिलेबस रेडी कर लीजिए बेटा। विषय सूची है आपकी, टोटल इसमें दो इकाइयाँ हैं। पहली इकाई है, इकाई का नाम है संप्रेषण सामान्य परिचय। इसमें दो पार्ट हैं। पहला पाठ है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। दूसरा पाठ रहेगा संप्रेषण और संचार तथा संप्रेषण के विविध आयाम। इसके बाद आपकी दूसरी इकाई रहेगी, इकाई का नाम है संप्रेषण और संचार के विविध रूप। इसमें बेटे चार पाठ हैं आपके। पहला पाठ है संप्रेषण के प्रकार, दूसरा है सर्वेक्षण आधारित प्रतिवेदन तैयार करना जिसे रिपोर्ट कहते हैं, संभावित विषय कोरोना और मानसिक स्वास्थ्य, क्रिप्टो जागरूकता अभियान, कूड़ा निस्तारण योजना। तीसरा पाठ आपका रहेगा लेखन के विविध रूप, अनुच्छेद लेखन, संवाद लेखन, डायरी, ब्लॉग लेखन। पाठ चार आपका रहेगा संपादकीय लेखन। तो ये आपका टोटल सिलेबस है बेटा, जो हमें इस पूरी की पूरी प्लेलिस्ट में हम लोग करेंगे। तो आज पहला पाठ शुरू कर रहे हैं हम लोग। पाठ का नाम है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। अब संप्रेषण कहते किसे हैं ये समझने के लिए हमें पहले चलना होगा। हम सभी लोग जानते हैं बेटा कि मनुष्य जो है वो एक सामाजिक प्राणी है। हम लोग समाज में रहते हैं, समाज के साथ रहते हैं, और मनुष्य और समाज के बीच सार्थक ध्वनियों द्वारा जो विचारों का आदान प्रदान होता है उसे भाषा कहते हैं। तो विचारों के इसी आदान प्रदान के बीच जो भावनाएं एक दूसरे तक पहुँचती हैं उसे संप्रेषण कहते हैं। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाव या शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। तो विचारों को एक से दूसरे तक पहुंचाने की प्रक्रिया संप्रेषण कहलाती है। भाषा के माध्यम से हम अपने विचारों को जब किसी और तक पहुंचाते हैं तो इस पूरे के पूरे प्रोसेस को बेटे संप्रेषण कहते हैं। कम्युनिकेशन में उसे कोई बात कहकर, लिख कर या इशारों से किसी दूसरे तक पहुँचाना ये कहलाता है कम्युनिकेशन। मीन्स अपनी बात से दूसरे तक पहुंचा देना, मतलब अपना संदेश दूसरे तक पहुंचा देना संप्रेषण कहलाता है। संप्रेषण मूलतः भाषा द्वारा अभिव्यक्त वह भाषा शैली है जो वक्ता से श्रोता तक सार्थक विचारों को प्रेषित करता है। सार्थक विचार प्रेषित होने चाहिए। वही संप्रेषण सार्थक या सफल होता है जो एक दूसरे के बीच तादात्म्य स्थापित कर पाने में सक्षम होता है। मतलब दो लोगों में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं एस्टेब्लिश कर पा रहा है तो उसे आप सही कम्युनिकेशन नहीं कह सकते हैं, सार्थक संप्रेषण नहीं कह सकते हैं। तो वक्ता की भाषा जितनी सरल, सहज और भावपूर्ण क्यों ना हो, अगर श्रोता से संबंध स्थापित नहीं कर पाता है तो उसे असफल संप्रेषण ही कहेंगे। हम कितने भी आसान भाषा में, कितनी भी आकर्षक भाषा में, कितनी भी भावुक भाषा में अपनी बात कहें, लेकिन अगर हमारा संदेश, हमारा संदेश, मैसेज हमारा सुनने वाले तक ठीक उसी सेंस में नहीं पहुंचा जैसा हम चाहते हैं तो ये संप्रेषण सफल नहीं कहा जाता है। तो संप्रेषण वास्तव में अपने विचारों को किसी अन्य तक पहुंचाने का एक तरीका है जिसे भाषा का पूरक भी कहा जा सकता है। मानव जीवन संप्रेषण अर्थात विचारों के आदान प्रदान से परिपूर्ण। हम सारी जिंदगी संप्रेषण का आदान प्रदान करते रहते हैं, कभी प्रत्यक्ष तो कभी अप्रत्यक्ष संप्रेषण हम लोग करते हैं। अब संप्रेषण शब्द की अगर बात करें तो सम प्लस प्रेषण बनता है, यानी कि सामान्य रूप से, समान रूप से प्रेषण, मतलब कि संवाद का, किसी संदेश का समान रूप से प्रेषण, संप्रेषण के लिए संचार का संवाद कहलाता है। यानी कि सामान्य रूप से प्रेषण, बिल्कुल सामान्य रूप से, समान रूप से आप किसी संदेश को भेज रहे हैं, ये संप्रेषण कहलाता है। संचार शब्द जो है ये चर धातु से बना है बेटे। चर का मतलब होता है, चर जो है चलने के लिए सेंस में, चलने के सेंस में इस्तेमाल होता है। चर अचर जैसे कहा जाता है, तो चर शब्द का इस्तेमाल होता है चलने के लिए। निरंतर चलने वाली प्रक्रिया होती है संचार। तो इंग्लिश वर्ड है इसके लिए कम्युनिकेशन, जो कि लैटिन वर्ड कम्युनिस से बना है, जिसका मतलब होता है टू शेयर, टू ट्रांसमिट,
टू एक्सचेंज, यानी कि जो संप्रेषण या संचार है इसके लिए इंग्लिश में जो शब्द इस्तेमाल होता है वो है कम्युनिकेशन, जो कि लैटिन कम्युनिस से बना है और इसका मतलब होता है टू शेयर, टू ट्रांसिट, टू एक्सचेंज, यानी कि भागीदारी करना, स्थानांतरण करना और आदान प्रदान करना। तो इस चीज़ को हम इस तरीके से सेंस क्या के समझ सकते हैं संप्रेषण को या कम्युनिकेशन को, कि अपने विचारों से अवगत कराकर भागीदार बनाना किसी को, ये हो गई भागीदारी। भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाना हो गया स्थानांतरण या ट्रांसफर, और बातों और विचारों को आदान प्रदान, भावों और विचारों का आदान प्रदान हो गया आपका आदान प्रदान। तो सहभागिता उत्पन्न करके सर्वसामान्यता लाना ही संप्रेषण का उद्देश्य होता है, यानी कि विचारों को साझा करना और उसके बाद उनमें एक सर्वसामान्यता लाना, यानी कि एग्री करना सभी को अपने विचारों से, ये संप्रेषण कहलाता है। अब सूचना और तकनीकी में, तकनीकी शब्द जो है कम्युनिकेशन है, अगर सूचना तकनीकी दृष्टि से देखें तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सूचना को दूसरों तक पहुंचाना। एक शक्ति जो समाज की जड़ों को पोषित करती है, भाषा की उत्पत्ति से इसका लगातार विकास होता रहता है और आज के युग में संप्रेषण की दृष्टि से बहुत ज्यादा विशिष्ट है ये सूचना क्रांति का, क्योंकि ये युग है और विश्व स्तर पर बाजारी उपनिवेश का हिस्सा हम लोग हैं और मानव जीवन की बहुत ही अनिवार्य आवश्यकता बन चुकी है जो कम्युनिकेशन, और विश्व स्तर पर बाजारी उपनिवेश का एक हिस्सा भी बन चुका है। अब हम इसकी परिभाषाओं पर बात करें तो बहुत सारे विद्वान हैं जिन्होंने कम्युनिकेशन की, संचार की परिभाषा दी है, तो उनको हिंदी में आपके लिए हिंदी के पेपर में ट्रांसलेट किया गया है बेटे। सबसे पहले E.M. रोजर एंड शूमेकर की परिभाषा, वो कहते हैं संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसमें स्रोत एवं श्रोता के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण होता है। इस प्रकार संप्रेषण विचारों के आदान प्रदान से संबद्ध है। चार्ल्स यास्गुड डेफिनेशन देते हैं, आमतौर पर संचार तब होता है जब कोई ढांचा या स्रोत किसी अन्य को प्रभावित करे कुशलतापूर्वक विभिन्न संकेतों का प्रयोग करके उन साधनों के द्वारा जो उन्हें जोड़ते हैं। जे पॉल लोगन्स डेफिनेशन देते हैं, संप्रेषण एक प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति एक ऐसे रूप में विचारों, तथ्यों, अनुभवों तथा प्रभावों का विनिमय यानी कि एक्सचेंज करते हैं जिससे प्रत्येक व्यक्ति संदेश का सामान्य ज्ञान प्राप्त कर लेता है। N.R. हबर्ड ने संचार को ARC त्रिकोण के माध्यम से समझाने की कोशिश की थी। उनका त्रिकोण देख लीजिए बेटा, ये है A का प्रयोग था लगाव के लिए, R का प्रयोग था वास्तविकता के लिए और C का प्रयोग था संचार के लिए। A का मतलब लगाव है, R यानी कि रियलिटी और C मीन्स टू कम्युनिकेशन, ठीक है। A फॉर अटैचमेंट, R फॉर रियलिटी, C फॉर कम्युनिकेशन। लोनबर्ग के अनुसार संचार वह पारस्परिक क्रिया है जो प्रतीकों के माध्यम से घटित होती है, प्रतीकों के माध्यम से होती है। ये प्रतीक चित्र हो सकते हैं, मौखिक हो सकते हैं या फिर किसी भी और रूप में हो सकते हैं। तो प्रतीकों के माध्यम से होने वाला संचार उसके संप्रेषण आने वाली अवरोधों को रोक लेता है, संप्रेषण में आने वाली अवरोधों को रोक लेता है प्रतीकों के माध्यम से होने वाला संचार। तो इस तरीके से प्रतीक युक्त संचार संदेशों को कम कर देते हैं। संप्रेषण में यदि प्रतीकों का कुशलता के साथ इस्तेमाल किया जाए तो जटिल विचार और तकनीकी ज्ञान में साझेदारी भलीभांति की जा सकती है। यानी कि संप्रेषण में अगर हम जो है सिंबल्स का यूज करें, साइंस का यूज करें, जैसे अभी हमने ट्रायंगल का यूज किया था, तो कहीं ना कहीं विचारों को, जटिल विचारों को भी तकनीकी ज्ञान में साझेदारी आसानी से हो सकती है। तो इन सारी परिभाषाओं का एक निष्कर्ष जो निकला, सार जो निकला, वो क्या है, टू मेक कॉमन यानी कि सबका बन जाना, यानी कि सामान्यीकृत बन जाना, यानी कि संप्रेषण एक व्यवस्थित सोद्देश्य और सतत गतिशील रहने वाली प्रक्रिया है जिसे सामान्यतः दो या दो से अधिक व्यक्ति परस्पर भावों, विचारों, तथ्यों एवं सूचनाओं, सम्मितियों आदियों का आदान प्रदान करते हैं जिससे एक सामान्य समझ विकसित हो सके। तो आज के जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में संप्रेषण का महत्व स्वीकार किया जा रहा है। आज हर जगह माना जा रहा है कि कम्युनिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। परस्पर भाषिक व्यवहार का माध्यम जो भी हो, चाहे पत्र लिख करके हो, रेडियो प्रसारण से हो, समाचार पत्र से हो, टेलीफोन पर बातचीत हो, संकेत हो या हाव भाव हो, इन सबके मूल में कोई ना कोई संदेश होता है और संप्रेषण का केंद्र बिंदु जो है वो संदेश ही होता है। संप्रेषण का मकसद क्या होता है, संदेश पहुंचाना। तो संप्रेषण के तत्व क्या क्या होते हैं, संप्रेषण की हम बात करते हैं, एलिमेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन क्या क्या हैं, उनके बारे में अब हम बात करेंगे। यानी संप्रेषण के रूप, आकार प्रदान करने वाले कंटेंट कौन कौन से हैं, घटक कौन कौन से हैं। तो संप्रेषण प्रक्रिया में वक्ता, संदेश और श्रोता की मुख्य भूमिका होती है। एक तो बोलने वाला, एक सुनने वाला और एक वो बात जो कि कही जानी है, जो शेयर की जानी है, ये इसके प्रमुख तत्व होते हैं। लेकिन विद्वानों ने माध्यम और फीडबैक को भी संप्रेषण के महत्वपूर्ण तत्व माना। तो इस तरीके से संप्रेषण के कुल पांच तत्व हो गए। इन पांच तत्वों को हम डिटेल में पढ़ेंगे। अब सबसे पहले है संप्रेषक यानी कि स्रोत।
जो व्यक्ति संदेश देना चाहता है, कोई बात अपनी दूसरों तक पहुंचाना चाहता है, वो संप्रेषक कहलाएगा। संदेश वो बात है जो वो लोगों के बीच शेयर करना चाहता है। माध्यम वो चीज है जिसके जरिए वो कहेगा, सामने से कहकर कहेगा, बात अपनी पहुंचाएगा। संदेश के लिए फोन इस्तेमाल करेगा, चिट्ठी इस्तेमाल करेगा, या समाचार की तरह से वो कि टीवी पर, रेडियो पर आएगा, या चैनल पर कोई वीडियो बना करके शेयर करेगा, वो माध्यम कहलाता है। ग्राही होता है जिसको संदेश पहुंचाया जाना है, जिसको संदेश सुनाया जाना है। और फीडबैक हो गई वो रिएक्शन जो कि हमें मिलती है सुनने वाले की तरफ से। जैसे यहाँ पर अगर हम देखा जाए, एक एग्जाम्पल दूं मैं इस वीडियो के मामले में, बेटा आपको तो स्रोत मैं हूँ जो आप तक अपना संदेश पहुंचा रही हूँ। संदेश आपका ये सिलेबस है जिसका मैं वीडियो बना रही हूँ। माध्यम है आपका, मैं आपको जो है इंटरनेट के माध्यम से आप तक पहुंचा रही हूँ। यूट्यूब के चैनल के माध्यम से आप तक मैं वीडियो पहुंचा रही हूँ। ग्राही या लक्ष्य आप हैं बेटा, जिस तक ये संदेश पहुंच रहा है। और फीडबैक होगी अगर आप इस पर कुछ आपकी प्रतिक्रिया देते हैं कि आपको समझ में आया या नहीं आया, आपको सुझाव देते हैं, तो वो फीडबैक होगी बेटा। तो इस तरीके से संप्रेषण पूरा हो जाएगा। तो पांचों के बारे में बेटा यहाँ पर डिटेल में आपको बताया गया है, आपके सिलेबस में भी है, समझ लेते हैं। स्रोत यानी कि संप्रेषक, हमेशा संप्रेषण प्रक्रिया का जो आरंभ होता है वो संप्रेषक से ही होता है, यानी कि जो संप्रेषण करने वाला व्यक्ति होता है, जिसे संदेश भेजना होता है, उसी से संप्रेषण की शुरुआत होती है। तो संप्रेषक में संप्रेषण हेतु संप्रेषण की प्रवीणता होनी चाहिए, प्रवृत्ति और सामाजिक सांस्कृतिक व्यवहार का ज्ञान होना चाहिए। उसमें संप्रेषण प्रवीणता के लिए बोलना, लिखना, पढ़ना, सुनना, तर्क वितर्क करना आता है, ये सब के सब गुण उसके अंदर होने चाहिए। इनके अलावा भाषाई ज्ञान होना चाहिए। संकेत करना, चित्र बनाना भी संप्रेषण प्रवीणता में वृद्धि करते हैं। प्रकृति से आशय है, इन चीजों से आशय है। संप्रेषक का संदेश ग्रहीता के प्रति दृष्टिकोण एवं उसके साथ व्यवहार के साथ डिपेंड करता है। संदेश की विषय वस्तु के प्रति संप्रेषक की धारणा क्या है, उसको लिखो कितना पॉजिटिव है, और संप्रेषक का संप्रेषण के समय रवैया क्या है, ये सभी की सभी बातें डिपेंड करती हैं, एक तरह से प्रभावित करती हैं आपके संप्रेषण को। तो संप्रेषक को संप्रेषण करते समय समाज के वर्गों, अमीर गरीब, शिक्षित अशिक्षित, युवा वृद्ध एवं बाल वर्ग आदि का ध्यान रखना चाहिए। आप संदेश भेज किसके ले रही हैं, उसी के हिसाब से संदेश भेजा जाना चाहिए। मान लीजिए आप किसी अपठित व्यक्ति के लिए, कोई अनपढ़ व्यक्ति है जो पढ़ा लिखा नहीं है, उसको संदेश देना चाहते हैं, तो आप लिख करके तो नहीं भेजेंगे, फिर उसे किसी और से पढ़वाना पड़ेगा। समाज एवं संस्कृति के ज्ञान के अभाव में संप्रेषण की संप्रेषण प्रक्रिया बाधित हो जाती है। अगर आपको समाज का ज्ञान नहीं है, संस्कृति का ज्ञान नहीं है किसी जगह की, तो कहीं ना कहीं संप्रेषण की प्रक्रिया जो होती है वो बाधित हो जाती है। अगली बात आती है संदेश की। तो संप्रेषक जो कुछ भी श्रोता के समक्ष कहना चाहता है, जो बात बताना चाहता है, वो उसका संदेश है। संदेश की रचना के टाइम संप्रेषक को कुछ महत्वपूर्ण तथ्यों का ध्यान रखना चाहिए। जो आप संदेश बना रहे हैं उसकी विषय वस्तु क्या है, उसमें क्या बात आप कहने वाले हैं, उसका विवेचन किस प्रक्रिया से करता है, और किस माध्यम से भेजना है, और ग्रहण करने वाला कौन है, इन सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। तो संप्रेषण में संदेश की रचना करना सबसे महत्वपूर्ण चरण है। आप अपनी बात को किस तरीके से बोलेंगे वो बहुत मैटर करता है। आपकी बात को उसी हिसाब से सुना जाएगा जिस हिसाब से आप उसको बोलेंगे। तो कई बार व्यक्ति अपनी बात सामने वाले को ठीक से समझा नहीं पाता है। कई बार बहुत अच्छे पढ़े लिखे लोग भी अपना संदेश दूसरों तक अच्छी तरह से नहीं पहुंचा पाते हैं। तीसरा इंपॉर्टेंट कंटेंट है इसका, जो एलिमेंट है वो है माध्यम। वक्ता और श्रोता के मध्य सेतु का काम करता है, ब्रिज का काम करता है। हम बोलकर, लिखकर, ईमेल के द्वारा, वेबसाइट के द्वारा संप्रेषक अपने संदेश को प्रेषित करने के लिए किसी भी माध्यम का चयन कर सकता है। मतलब मुझे आपका संदेश भेजना है तो मैं कोई भी तरीका चुन सकती हूँ, लेकिन मुझे ये ध्यान रखना होगा कि मेरे लक्ष्य यानी कि आप तक पहुँचने के लिए कौन सा माध्यम उपयुक्त रहेगा, कौन सा माध्यम परफेक्ट रहेगा। और संप्रेषण प्रक्रिया के सभी माध्यम उपयोगी होते हैं, कोई भी अनुपयोगी नहीं होता। अगला होता है ग्राही या लक्ष्य। संप्रेषक जिसे अपना संदेश प्रेषित करता है, यानी कि जिसे संदेश सुनाना होता है, उसे ग्राही या लक्ष्य कहा जाता है। तो ग्राही केवल एक व्यक्ति, वर्ग या फिर संपूर्ण समाज भी हो सकता है। आप किसी एक व्यक्ति तक संदेश भेज सकते हैं, किसी वर्ग तक भेज सकते हैं, पूरे देश तक पहुंच सकते हैं, पूरे संसार तक भेज सकते हैं। तो ग्राही संप्रेषक के जितना समरूप होगा, उसी मात्रा में संप्रेषण का प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। तब जितना ज्यादा समरूप होगा, जितनी ज्यादा समानता होगी, जितनी ज्यादा भाषा की समानता होगी, संस्कृति की समानता होगी, उतना ही ज्यादा संदेश के प्रभावी होने की संभावना बढ़ जाती है। तो ग्राही का संदेश ग्रहण करना इस तथ्य पर भी निर्भर करता है कि संप्रेषक का संदेश किस प्रकार का है, उसके लिए कितने महत्व का है। मतलब आपके लिए महत्वपूर्ण है तो आप संदेश को पढ़ेंगे, वरना नहीं पढ़ेंगे। साथ में भाषा, सभ्यता, संस्कृति, रुचि, ये सब बातें भी कहीं ना कहीं संदेश ग्रहण करने को प्रभावित करती है। अगली बात आती है बेटा फीडबैक यानी कि प्रतिपुष्टि की। तो संप्रेषण में संप्रेषक का संदेश ग्रहण करने के बाद कोई प्रतिक्रिया करना या ना करना फीडबैक कहलाता है।
तो फीडबैक के माध्यम से संप्रेषण की गति में कुछ संशोधन किया जा सकता है। मान लीजिए कोई बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा समझाई जा सकती है। इसीलिए मैं आपको बार बार कहती हूँ, जैसे कि आप कमेंट सेक्शन में बात बताएं, तो ये संप्रेषक को ये अवसर देती है कि वो संप्रेषण की अगली कड़ी में आवश्यकता अनुसार परिवर्तन कर अपने संप्रेषण को आगे बढ़े। मान लीजिए किसी को पहली बार में बात समझ में नहीं आई है तो दोबारा समझा दी जाए। फीडबैक के अभाव में संप्रेषण प्रक्रिया निरर्थक हो जाती है। फीडबैक से मालूम हो जाता है कि संप्रेषण में संदेश की व्याख्या किस प्रकार की गई। फीडबैक से पता चल जाता है कि सामने वाले ने आपके संदेश को किस प्रकार से समझा है, उसने क्या समझा है, यानी कि वही समझा है ना कि जो आप समझाना चाहते हैं। तो एक से अधिक संदेश ग्राही होने की स्थिति में संप्रेषक को अलग अलग प्रतिक्रिया मिल सकती है। मान लीजिए किसी ने कोई एक संदेश भेजा बहुत से लोगों को, तो बहुत से लोगों की अलग अलग प्रतिक्रिया भी हो सकती है, तो मिक्स रिएक्शन भी आपको मिल सकती है, क्योंकि सामान्यतः प्रत्येक ग्राही की सामाजिक आर्थिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि अलग होती है। तो संप्रेषण में परस्पर साझेदारी की प्रक्रिया विद्यमान रहती है, इसलिए फीडबैक भी मिली जुली हो सकती है। यहाँ डॉक्टर सुशील त्रिवेदी ने संप्रेषण के तीन बुनियादी तत्व स्रोत बताए हैं, संदेश और लक्ष्य को इस तरीके से बताया, स्रोत संदेश और लक्ष्य। संचारक कौन है? प्रेषक या स्रोत जहाँ से संदेश का उद्भव होता हो, यानी कि वो व्यक्ति जो संदेश देना चाहता है। तो ये तत्व संचारक, प्रेषक या स्रोत कहलाता है, चाहे वो व्यक्ति हो, पक्षी हो, कोई वस्तु हो, कोई भी हो सकता है। अगला है संदेश, जिस बात, भावना या विचार को संप्रेषित किया जाना होता है वो संदेश कहलाता है। और तीसरा होता है लक्ष्य, यानी कि संदेश को प्राप्त करने वाला ग्राही या लक्ष्य, जो व्यक्ति संदेश है वो संदेश प्राप्त करता ग्राही या प्राप्त करता लक्ष्य कहलाता है। तो इन तीनों के कोऑर्डिनेशन से ही संचार प्रक्रिया पूर्ण होती है। संचार या संप्रेषण की पूर्णता के लिए संदेश को भेजने के लिए उचित मार्ग या माध्यम का होना बहुत जरूरी होता है। यानी कि आप कोई संदेश भेजना चाहते हैं तो उसके पूर्ण होने के लिए संदेश का माध्यम होना बहुत जरूरी है। आप बात को कहेंगे कैसे, पहुंचाएंगे कैसे? डायरेक्ट बोलकर पहुंचाएंगे, लिखकर पहुंचाएंगे, फोन करके पहुंचाएंगे, कोई वीडियो बनाकर पहुंचाएंगे, कोई मैसेज लिखेंगे टाइप करेंगे तब पहुंचाएंगे, कोई ड्राइंग बनाएंगे पहुंचाएंगे, किस तरीके से पहुंचाएंगे वो माध्यम कहना। तो ये था बेटा आपका संप्रेषण की अवधारणा और संप्रेषण के तत्व। इससे आगे का बेटा जो पार्ट है वो मैं दूसरे वीडियो में बनाऊंगी, क्योंकि बिना बेटा वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है और फिर उसे देखने में परेशानी होती है। तो आज ये मैंने आपका चैप्टर शुरू कर दिया है बेटा। पेपर का नाम है आपके संप्रेषण, पेपर का नाम है आपके संप्रेषण और संचार। इसका पहला पार्ट है जब हमने शुरू किया है संप्रेषण की अवधारणा और उसकी प्रक्रिया। तो अवधारणा आज हमने समझ ली है, संप्रेषण के तत्व समझ लिए, संप्रेषण की प्रक्रिया कैसे होती है ये मैं आपको अगले वीडियो में समझाऊंगी बेटा। तब तक आप लोग टच में बने रहिए। कोई डाउट है आपको, कोई बात समझ में नहीं आई है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं बेटे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो बहुत जल्दी से बेटा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आगे आपके पूरे के पूरे आपको ये सारे के सारे जो है वीडियोज़ हैं, आपके सारी के सभी जो आपके 6 लेसन हैं सभी के वीडियोज़ आपको यहीं पर मिलने वाले हैं बेटा। तो आपकी परीक्षाओं के लिए आपको ढेर सारी शुभकामनाएं। हैव अ ग्रेट डे अहेड। जय हिंद, जय भारत।